नर्सरी रोड की सड़क निर्माण का कार्य शुरू। पीसीसी सड़क व ढक्कन सहित नाला निर्माण के लिए कार्य की शुरुआत। नाला व सड़क निर्माण में आ रही सालों की अड़चनों बाधाओं को दो मुख्य सड़क की लाइफलाइन कहलाने वाली नर्सरी रोड की सड़क के लिए निर्माण का कार्य शुरू हुआ। सोमवार को पीसीसी सड़क व ढक्कन सहित नाला निर्माण के लिए कार्य की शुरुआत वार्ड 33 पार्षद पति सब पूर्व पार्षद फैजुल अहमद अंसारी ने नींव रखकर इसकी शुरुआत किया। मौके पर जानकारी देते हुए उन्होंने लगातार निगम से संघर्ष करने के बाद एलएन मिश्रा पथ करमगंज चौक को नाका 6 यातायात थाना से जोड़ने वाली लिंक नर्सरी रोड का पक्की ढलाई का काम आज शुरू करवाया। इंशाल्लाह यह रोड 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाएगा और हमारी वार्ड के साथ साथ वार्ड 37 एवं अगल बगल के कई वार्डो की जनता को इससे भरपूर लाभ मिलेगा और लोगों को बहुत सहूलियत भी मिलेगी। 6 महीना पूर्व इसी रोड पर हमने 8 लाख की लागत से नाला ढक्कन सहित निर्माण करवाया था। हमारा प्रयास रहा कि वार्ड 33 को हमेशा एक आदर्श वार्ड के रूप में दरभंगा में जाना जाए। मेन मुख्य सड़क जो एलएन मिश्रा पथ नागर नंबर 6 को जोड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड था। वर्षों से बहुत खराब जर्जर स्थिति में था। आज हमने वार्ड नंबर 33 के को 20 लाख रुपए की लागत से इसमें खनन और उसके बाद पक्का ढलाई जो है शिलान्यास किए हैं। हमारे वार्ड के सभी गणमान्य लोग हमारे साथ उपस्थित हैं और ये रोड जो बनके तैयार हो जाएगा तो हम समझते हैं कि शहर का बहुत बड़ा लोड मेन रोड से कम होगा। अगर उधर जाम फंसेगा तो लोग छोटी छोटी गाड़ी इधर से लेके निकलेंगे और उधर से जा सकते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट रोड था और आज का शिलान्यास हुआ है। ये 20 लाख की लागत से वार्ड नंबर 33 की ओर से रोड का जो है शिलान्यास किया गया है और हमको लगता है कि 15 दिन में ये रोड कम्प्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ढंग से जैसे बने मोहल्ला वासी जो एकदम आनंदित है कि जो रोड जो है बन रहा है। इसके पार्षद माननीय श्री पूजल अंसारी द्वारा किया गया अत्यंत प्रयास के बाद जो काम काफी जनता के फायदा होगा ही और उसके साथ वार्ड नंबर 37 की जनता को भी जो है दोनों वार्ड का जो है बॉर्डर रोड है, इसलिए दोनों वार्ड की जनता से जो है पूरा मोहल्ला और काफी अच्छा काम इन्होंने किया है और समाज भैया को मशीन से जो 2 मिनट में तोड़ दिए बाद में जाता है बाद में ऊपर से छेद करके तोड़ करके अपने मसाला देना देखो लगे की काम बात है ना समझो।